क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फॉरेनहाइट का टेम्परेचर का हमारा जो मेजरमेंट का सिस्टम है वो दिया हुआ है। इक्वेशन एफ इक्वल टू 9/5C+32, अगर सेल्सियस है और इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर फॉरेनहाइट में आ जाएगा, और अगर इसी को रिवर्स में फॉरेनहाइट की वैल्यू रख दो तो सेल्सियस में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको इक्वेशन दिया है और हम यहाँ पर पुट कोई वैल्यू पुट कर दो, एफ की वैल्यू जो भी मर्जी हो ले लो, पुट सी इजकल टू 10, -10 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एफ इजकल टू 9/5 × -10+32, 5 × 2 = 10, तो ये हो गया -18+32 और ये हो गया 14, ठीक है। पुट सी इजकल टू 10, एफ इजकल टू 9/5 × 10+32, 5 × 2 = 10, ये हो गया 18+32 और ये हो गया 30, 20, 50, ठीक है। फिर पुट सी इजकल टू -20 + 20 कर दो तो ये हो जाएगा एफ इजकल टू 9/5 × 20+32, 5 × 4 = 9/36 + 32, ये हो गया 68, ये आपका हो गया। और इसका बॉक्स जो बन गया सी और एफ, सी हमने यहाँ पर लिया है पहले में -10, तो ये मिल गया आपको 14, यहाँ पर हमने लिया है 10 तो ये मिल गया 50, यहाँ पर हमने लिया है 20 तो ये मिल गया आपको 68। और अब इस वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे ऐसे वैल्यू में, 4 की वैल्यू में या टेम्परेचर, अब ये 4 के मल्टीपल में भी ज़्यादा हो जाएगा 8, तो आप इसको इस वैल्यू को चेंज करना है या चेंज करके ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें ये हमारा सी है, ये सी है और ये एफ है, सी डैश ये एफ डैश, सी आपका -10 है ये, तो वाई 14 आ जाएगा, 14 हल्का सा ये ऊपर आएगा, ठीक है, 10 × 4 = 14 इसके बीच में, सी 10 है तो ये 50 चला जाएगा, यहाँ पर आ गया, सी 20 है ये 68 होगा, 70 के आसपास, ठीक, ये आपकी वैल्यू हो गई। और अब इसकी प्लॉटिंग करेंगे, इसकी प्लॉटिंग करेंगे ठीक, ये प्लॉटिंग है -10 और 14, यह है आपका 10, 50 और ये है 20 और 68, ठीक है। एफ इजकल टू 9/5C+32, ये आपका हो गया। अब इसके ग्राफिकल प्लॉटिंग हो गई,
अब इसमें है ड्रा द पहला क्वेश्चन, ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, इफ द टेम्परेचर 32, सेकंड पार्ट इसका इफ सी इजकल टू 30, एफ इजकल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32 6 9 54 प्लस 32 बराबर 86 डिग्री फॉरेनहाइट एफ आ गया। ठीक है, तीसरा यहाँ पे तीसरा ले लो, एफ इजकल टू 95, तो ये एफ इजकल टू 9/5 प्लस 9/5 प्लस 32, ये 95 है माइनस 32 इजकल टू 9/5 63 इंटू 5/9 बराबर सी 3×9=21, तो सी इजकल टू 105/3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सी आ गया। आई बी इधर टेम्परेचर इफ सी इजकल टू 0, तो एफ इजकल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32 0 हो जाएगा, तो बराबर 0 प्लस 32 एफ इजकल टू 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इज देयर ए टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फॉरेनहाइट सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। तो ये आपको पता करना है, चौथा नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि क्या इज देयर ए टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फॉरेनहाइट, ऐसा कोई है जहाँ पर दोनों बराबर आ जाएं। तो दोनों बराबर तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों का सेल्सियस, एक बार देख लेते हैं। पुट C इक्वल टू 40, F इक्वल टू 9/5 इंटू 40 प्लस 32 बराबर 972 प्लस 32 माइनस 40 एस एट माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल माइनस 40 फॉरेन डिग्री फॉरेनहाइट, मतलब जो है माइनस 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री फॉरेनहाइट के इक्वल है। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन लास्ट था। और यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि मतलब जो है कोई सेल्सियस है तो उसको हम फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका प्लॉटिंग कैसे करते हैं। तो आपने बच्चों ये सॉरी
एक्सरसाइज कौन सी थी? फोर पॉइंट थ्री एक्सरसाइज, 4.3 थी। ठीक है, और अब इसके आगे जो है आपको अगला वीडियो और अगले एग्जाम्पल का मिलेगा, और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को अगर पसंद आया है आपको हमारा वीडियो, तो आप सभी लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।